पड़ेगी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। इसको कितने किसने लिया था? लंदन एंड हिटलर ने। मेन जो थे लंदन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। देखो गिवन बाय, गिवन बाय लंदन एंड हिटलर। देखो बात यह है कि बीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बीबीटी का सिंपल सा ये मतलब है कि कोई भी एटम बॉन्ड कब बनाएगा, कौन कौन सी वो कंडीशंस होंगी जिनमें हमारा एटम क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, क्या क्या वो कंडीशन होंगी, कब बनाएगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करनी है, ठीक है ना। तो एक चीज समझो भाई, जब तक दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है ना, ये जब दोनों एटम एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। इस एटम का ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा ध्यान से बेटा, इस एटम के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस एटम के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और इसके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। आप सबको पता है जब सेम चार्ज होता है तो रिपल्सन लगता है, जब अपोजिट चार्ज हो जाए तो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो होगा क्या, अब ये दोनों एटम क्या होंगे, पास पास आएंगे। जब एक दूसरे के इतना पास आ जाए, लगभग इतना इतना पास आ जाए, तो क्या होगा, इस कंडीशन पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये दोनों एटम क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दोनों एटम आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और याद रखना इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, दोनों एटम ओवरलैप कर गए। और ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई तब क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो कहां जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे। और बॉन्ड तो तब बनता है जब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब क्या होगा, जब बॉन्ड बन जाएगा तो इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या है, डी। यही क्या कहलाती है, उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब इसी के बारे में डिटेल में लंदन एंड हिटलर ने बताया, और क्या क्या बताया इन सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये बॉन्ड बनता किस कंडीशन पर है, उस कंडीशन पर बनता है जिस कंडीशन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर दोनों में, इन दोनों में कोई ज्यादा हो गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अगर रिपल्सन ज्यादा हो गया तो दूर दूर चले जाएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो पास पास आएंगे, या बहुत ज्यादा पास पास आएंगे, और बहुत पास पास आ जाएंगे तो फिर क्या लगने लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स लगेगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? तो लिखो बेटा, लिखो पहला पॉइंट, एटम मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर, एटम मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर। एटम को एक दूसरे के पास आना ही पड़ेगा, एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा, और कितना क्लोज आना पड़ेगा, 50% तक आना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट देखो, एटम हैज एंटी पैरेलल स्पिन। एटम हैज, अब लिखो समझाता हूं क्या होता है एंटी पैरेलल स्पिन। एटम हैज एंटी पैरेलल स्पिन। एंटी पैरेलल स्पिन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर एक एटम का स्पिन
कैसा है, क्लॉकवाइज में और दूसरे एटम का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज में, तभी दोनों आसपास आएंगे और आसपास आने के बाद क्या बना लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे और एक दूसरे क्या कर लेंगे, दोनों को पेयर्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे पेयर्ड कर लेंगे। एक का इलेक्ट्रॉन अपोजिट मतलब दोनों आपस में एंटी होने चाहिए, क्योंकि एंटी होंगे तभी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्योंकि सेम साइड होंगे ट्रिपल करेंगे और एंटी होंगे तो क्या करेंगे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और अप्रोच जब करेंगे बेटा तब क्या होगा आपस में पास पास आएंगे और क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो इस रीजन के अंदर आएंगे, और इस रीजन को मैंने समझाया था आपको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं। नोट करो बेटा इसको, बस इससे कम हो सकता है सर, ये वीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग का मतलब है कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 से कम हो सकती है हाँ, लेकिन 50 से कम जितनी होगी उतना ही वीक बॉन्ड बनेगा। अब जैसे मान लिया ये बनेगा इतना नहीं, अगर यही पर प्रॉपर तरीके से बनता है 50% तक, इसका मतलब क्या होगा इन दोनों में किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग extent of overlapping directly proportional to strength of bond। देखो बहुत चीजें हमें इस लेक्चर में सीखनी है आज के, तो थोड़ा पेशेंस रखना, शांति से बैठना और अच्छे से सुनना, ये तीनों काम करेंगे तब जाके हमें पूरा लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज पूरा लेक्चर चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को पाउलिंग और स्लेटर दो साइंटिस्ट था, इन्होंने एक्सटेंड किया, इन्हीं में बहुत सारे अपडेशन किए, इन्होंने क्या क्या बताया तो अब लिखो जरा हेडिंग, पाउलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन, पाउलिंग पाउलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन, मतलब दो साइंटिस्ट आए पाउलिंग और स्लेटर, इन्होंने इसी बीबीटी को एक्सटेंड किया, ठीक है ना। तो हेडिंग पड़ेगी पाउलिंग एंड स्लेटर, पाउलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन, पाउलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन। जितना लंदन और हिटलर बता गए उसकी चीज को, उससे ज्यादा इन्होंने किसने एक्सटेंड किया, वो किया पाउलिंग और स्लेटर ने। क्या क्या किया तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, देखो लंदन ने बता दिया कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ज्यादा ओवरलैपिंग कब अच्छी होगी। इतना बता दिया कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, लेकिन यार अच्छी ओवरलैपिंग का प्रैक्टिस करते हैं कि कंडीशन क्या होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी। तो लिखो पहला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन extent of overlapping depends upon दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल
ऑर्बिटल नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल और दूसरा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग फर्स्ट पॉइंट के अंदर दो पॉइंट है और दूसरा है ओवरलैपिंग कैसे हो रही है जो ओवरलैपिंग दो तरह की होती है अभी सब डिटेल में डिस्कस करूंगा बीपीटी के अंदर बहुत चीजें आएगी और बहुत सारा तरीके से डिस्कस होगी आपके साथ तो इन्होंने बताया हिटलर और लंडन ने कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा लेकिन अच्छी ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होगी वो दो कंडीशन है पहला है जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनका नेचर और ओवरलैपिंग कैसी हो रही उसके नेचर पर डिपेंड करेगा बेटा सेकेंड पॉइंट जो हमारी बैलेंस सेल होती है जो आउटर सेल होती है वो न्यूक्लियस से जितना पास होगी उतना अच्छा अट्रैक्शन लगेगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा लेकिन न्यूक्लियस से जितना दूर होगी तो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा कि जो बैलेंस सेल है आउटर सेल है न्यूक्लियस से दूर जाएगी जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोनों का डिक्रीज करेगा वो सर सिंपल सी बात है जब एक न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है आउटर सेल दूर जाती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कमजोर होगा और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो हमारी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी मतलब न्यूक्लियस से जितना पास होगा वैलेंस सेल उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी देखो बेटा सेकेंड पॉइंट मोर क्लोजर द वैलेंस सेल टू द न्यूक्लियस मोर विल बी इफेक्टिव ओवरलैपिंग सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आप बताना कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग किस में होगी ऑर्डर लिखना है ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है देखो जरा ध्यान से मैंने आपको कुछ नहीं समझाया ओवरलैपिंग के बारे में मैंने आपको वर्ड ही लिखाया ओवरलैपिंग अभी आपको नहीं पता कितने टाइप की होती क्या होती तब भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ देखो बेटा HCl, HBr और HI आपसे पूछ रहा है इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी तो बेटा देखो हाइड्रोजन का वैलेंस सेल कहां होता है 1s में और क्लोरीन का कहां होता है 2p में मतलब 1 2 हाइड्रोजन का तो 1s में ही होगा हाइड्रोजन तो 1s में ही है क्लोरीन के आउटर सेल कहां होता है वैलेंस सेल 3p भाई क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 मतलब वैलेंस सेल कहां आती है 3s2 और 3p5 पाई सेल में आती है 1s4p और 1s5 ये है हमारा न्यूक्लियस ये हमारी सेकंड सेल है ठीक ये फर्स्ट सेल इनर सेल या आउटर सेल सेकंड सेल ये हमारा न्यूक्लियस ये थर्ड सेल है ये न्यूक्लियस ये फोर्थ सेल है इससे अट्रैक्शन हो रहा है ये न्यूक्लियस ये फिफ्थ सेल है जरा बताओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी अरे HF होगी कि नहीं होगी अरे हाँ कि ना अरे बोलो भाई अरे हाँ कि ना यस सर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी HF होगी ना न्यूक्लियस कितना पास होगा अरे फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 होता है 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p5 वो आउटर से कहां आ रहा है 2p5 में आ रहा है बेटा ओवरलैपिंग कौन करेगा किसका वैलेंस इसका 2p करेगा आपस में तो बेटा जितना पास होगा न्यूक्लियस के उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही क्या होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी बेटा उतनी ही अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगी मतलब अगर तुमसे कहा जाएगा कि सर
सर इसके बॉन्ड को तोड़ना है। अरे यार इसके बॉन्ड को तोड़ने में और इसके बॉन्ड को तोड़ने में किसने ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी ना। अरे हाँ कि ना, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, टाइटली बॉन्डेड है, अब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ यार ऑलरेडी दूरी बढ़ गई है, पहले ही दूरियां हो गई है, पहले घर में बेटी आ गया है, अब थोड़ा एनर्जी और दे दो और तोड़ दो। बोले बात क्लियर है? मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड को क्या देनी पड़ेगी? तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। अब देखो जो हमारे ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग कौन करते हैं? ऑर्बिटल करते हैं। ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। अब मैं थोड़ा अब बीबीटी से तो हट के बात करूंगा, क्योंकि मुझे ओवरलैपिंग कराने के लिए तुमको बेसिक्स से बतानी पड़ेगी पहले। तो ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, ये बीबीटी का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग से आप ये चीज बतानी पड़ेगी, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी एक्सिस क्या होती है, उन सबको बताना पड़ेगा। तो लिख लो जरा, यहाँ नोट लिख लो, नोट पॉइंट, और जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा डिटेल में लिख लो आप। विविधता का पार्ट नहीं है, देखो बेटा, ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं मेनली, कौन कौन से? फर्स्ट वन एटॉमिक ऑर्बिटल और सेकेंड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट वन एटॉमिक ऑर्बिटल और सेकेंड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत ही ध्यान से समझना, एक बार में समझा। एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा कौन कौन से होते हैं? एस पी डी एंड एल, एस पी डी एल। और मॉलिक्यूलर कौन कौन से होते हैं? सिग्मा पाई एंड डेल्टा। ये आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी का लास्ट पार्ट है सबसे पहले बात करूंगा जो शेप होता है वो कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और दूसरी चीज, ये नॉन डायरेक्शनल होता है भाई, स्फीयर को डायरेक्शन नहीं होता, वो गोल होता है, कोई सर्कुलर कोई स्फेरिकल को डायरेक्शन नहीं होती है। देखो बेटा इसका स्फीयर कैसा होता है? इस तरीके का होता है। तो इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस ना जेड एक्सिस। तो कैसा होता है बेटा? इस ऑर्बिटल हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, और ये स्फेरिकल होता है। देखो बेटा अब बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शनल होता है बेटा। कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। इसकी डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज बेटा और ये डायरेक्शनल होता है, और कैसा होता है? इसका शेप कैसा होता है? डंबल शेप होता है। कैसा होता है? डंबल शेप होता है। डंबल शेप होता है। डायरेक्शन कौन कौन सी होती है बेटा? एक्स डायरेक्शन, तो एक्स में इसको बोलते हैं पी एक्स। क्या बोलते हैं उसको? पी एक्स। दूसरी होती है बेटा वाई डायरेक्शन, इसको बोलते हैं पी वाई। क्या बोलते हैं इसको? पी वाई। और तीसरा होता है जेड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं पी जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पी जेड। ये पी एक्स, ये पी वाई, और ये क्या है? पी जेड है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल की। किसकी बात करेंगे? डी ऑर्बिटल की। ये भी बेटा डायरेक्शनल होता है, ठीक है, क्या इसकी है? ये भी डायरेक्शनल होता है, और इसका शेप क्या होता है बेटा? डबल डंबल, डबल डंबल शेप, डबल
डंबल शेप होता है, कैसे देखो ये कितने टाइप का होता है, ये फाइव होते हैं टोटल, डीएक्सवाई, डीवाईजेड, डीजेडएक्स, डीएक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर, टोटल पांच होते हैं। सभी का हम बनाएंगे शेप कैसा होता है, तो पहले डीएक्सवाई का देखो, डीएक्सवाई कैसा होता है, डीएक्सवाई मान लिया बेटा ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डबल डंबल का मतलब होता है दो डब्बे वाले, इसको बोलते हैं डंबल, तो ये दो है तो क्या बोल दिया डबल डंबल। डी वाई जेड बिल्कुल शेप सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, अब इसको हम वाई जेड एक्सिस ले ली। नेक्स्ट होता है डी जेड एक्स, हमने सिर्फ एक्सिस चेंज कर लिया, एक्स जेड ले लिया, शेप सेम होता है। अगला है डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां बना रहा हूं डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अलग होता है, ये ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, और लास्ट होता है बेटा डी जेड स्क्वायर, यहां बना दे रहा हूं जगह नहीं हमारे पास, ये होता है जेड एक्सिस होती है, ये होता है डी जेड स्क्वायर, ये छल्ला होता है उसके अंदर एक लूप पड़ा होता है, इस तरीके से होता है बेटा, देखो ये छल्ला है ये, और इसके अंदर ये लूप घूम रहा है, इस तरीके को होता है बेटा, ध्यान रखना ठीक है, इस तरीके से डी जेड स्क्वायर। तो जल्दी से आप नोट करो इन ऑर्बिटल्स को, हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, केवल हमारा एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, इसको डायरेक्शन नहीं होती है, बाकी पी और डी और एफ क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, हमारे डायरेक्शनल होती है।